दोस्तों स्वागत है आपका हमारे बकरियों की उपयोगी नस्लें भाग दो इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बीटल, बर्बरी और शिरोई नस्ल की बकरियों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बीटल। बीटल नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से पंजाब प्रांत के गुरदासपुर जिला के बटाला अनुमंडल में पाई जाती है। पंजाब से लगे पाकिस्तान के क्षेत्रों में भी इस नस्ल की बकरियां उपलब्ध है। इसका शरीर भूरे रंग पर सफेद सफेद धब्बा या काले रंग पर सफेद सफेद धब्बा लिए होता है। यह देखने में जमुनापारी बकरियां जैसी लगती है, परंतु ऊंचाई एवं वजन की तुलना में जमुनापारी से छोटी होती है। इसका कान लंबा, चौड़ा तथा लटकता हुआ होता है। नाक उभरा रहता है। कान की लंबाई एवं नाक का उभरापन जमुनापारी की तुलना में कम होता है। सींग बाहर एवं पीछे की ओर घुमा रहता है। वयस्क नर का वजन 55 से 65 किलोग्राम तथा मादा का वजन 45 से 55 किलोग्राम होता है। इसके बच्चों का जन्म के समय वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है। इसका शरीर गठीला होता है। जांघ के पिछले भाग में कम घना बाल रहता है। इस नस्ल की बकरियां औसतन 1.25 से 2 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। इस नस्ल की बकरियां सालाना बच्चे पैदा करती है एवं एक बार में करीब 60% बकरियां एक ही बच्चा देती है। बीटल नस्ल के बकरों का प्रयोग अन्य छोटे तथा मध्यम आकार के बकरियों के नस्ल सुधार हेतु किया जाता है। बीटल प्रायः सभी जलवायु हेतु उपयुक्त पाया गया है। बारबरी। बारबरी मुख्य रूप से मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। इस नस्ल के नर तथा मादा को पादरियों के द्वारा भारत वर्ष में सर्वप्रथम लाया गया। अब यह उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा एवं इससे लगे क्षेत्रों में काफी संख्या में उपलब्ध है। यह छोटे कद की होती है, परंतु इसका शरीर काफी गठीला होता है। शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। शरीर पर सफेद के साथ भूरा या काला धब्बा पाया जाता है। यह देखने में हिरण के जैसा लगती है। कान बहुत ही छोटा होता है। थन अच्छा विकसित होता है। वयस्क नर का औसत वजन 35 से 40 किलोग्राम तथा मादा का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है। यह घर में बांधकर गाय की तरह रखी जा सकती है। इसकी प्रजनन क्षमता भी काफी विकसित है। 2 वर्ष में 3 बार बच्चों को जन्म देती है तथा 1 वीआन में औसतन 1.5 बच्चों को जन्म देती है। इसका बच्चा करीब 8 से 10 माह की उम्र में वयस्क होता है। इस नस्ल की बकरियां मांस तथा दूध उत्पादन हेतु उपयुक्त है। सिरोही। सिरोही नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिला में पाई जाती है। यह गुजरात एवं राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। इस नस्ल की बकरियां दूध उत्पादन हेतु पाली जाती है, लेकिन मांस उत्पादन के लिए भी यह उपयुक्त है। इसका शरीर गठीला एवं रंग सफेद, भूरा या सफेद एवं भूरा का मिश्रण लिए होता है। इसका नाक छोटा परंतु उभरा रहता है। कान लंबा होता है। पूंछ मुड़ा हुआ एवं पूंछ का बाल मोटा तथा खड़ा होता है। इसके शरीर का बाल मोटा एवं छोटा होता है। यह सालाना 1 वीआन में औसतन 1.5 बच्चे उत्पन्न करती है। इस नस्ल की बकरियों को बिना चराए भी पाला जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।